230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा, 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा, 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़, 119 सदस्यों वाली तेलंगाना और 40 सदस्यों वाली मिजोरम में विधानसभा का कार्यालय जनवरी में खत्म हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहे गाड़ियों के काफिले ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मामले का संज्ञान लेते हुए नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ के तथा वड़े इलाके में गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद है, स्थिति नियंत्रण में है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का 9 अक्टूबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने कहा है कि उन्हें ओलंपिक में भी ऐसा ही प्रदर्शन करने की उम्मीद है। अदिति गोपीचंद ने कहा है कि मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने एशियाई खेलों में देश की सफलता में योगदान दिया है। भारत ने 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, हम ओलंपिक में भी ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का 9 अक्टूबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने देश के लिए 5 पदक जीतने के अपने गौरव के क्षण को साझा किया। अभिषेक वर्मा ने कहा है कि मुझे गर्व है कि मैंने देश के लिए 5 पदक जीते हैं और मैं इसे आगे भी जारी रखूंगा। जालंधर के अवतार नगर में एक आवास पर विस्फोट हुआ है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। ADCP जालंधर आदित्य ने कहा है कि घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। जालंधर आदित्य ने कहा है कि हमें जालंधर के अवतार नगर में एक घर में विस्फोट जैसी घटना की सूचना मिली, जिसके बाद हम तुरंत मौके पर पहुंचे। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम हादसे के पीछे के कारण की जाँच कर रहे हैं, हमने FSL टीम को बुलाया है। नैनीताल जिले में 32 लोगों को ले जा रही एक बस खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वही घटना की जानकारी साझा करते हुए SSP नैनीताल PN मीना ने बताया है कि हादसे में 28 लोगों को बचाया गया है और 3 की मौत हो गई है। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। PN मीना ने कहा है कि अब तक 28 लोगों को बचाया जा चुका है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और हमने उनके शव बरामद कर लिए हैं। 1 या 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा। चूंकि पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में भीषण बाढ़ की स्थिति देखी गई है, राज्य के वन मंत्री कर्मा लोदाया भूटिया को चुंगथांग में तीस्ता नदी बांध के निर्माण पर संदेह है। कर्मा लोदाया भूटिया ने कहा है कि हमारा कर्तव्य पीड़ितों को बचाना है, बांध का निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के महत्व को साझा किया। उन्होंने यह भी कहा है कि बैठक में नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा होती है। अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक है। मुलाकात के दौरान चर्चा और विचार विमर्श होता रहता है, नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा की जाती है। इसराइल और गाजा युद्ध का आज तीसरा दिन है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रॉकेट हमले लगातार जारी है, वहीं इसराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसराइल में अब तक 600 लोगों की मौत हो चुकी है। TDP प्रमुख चंद्रबाबू के खिलाफ मामलों में आज अहम फैसले आएंगे। क्या चंद्रबाबू को मिलेगी जल्दी जमानत, वरना उत्साह खत्म हो जाएगा। चंद्रबाबू के वकीलों ने मामले को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा।